राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कमेटी की दो दिवसीय बैठक में दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हुए, जिसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कहा कि देश में आज तीस्ता शीतलवाड़ की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। वहीं अग्निपथ योजना पर उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार के लिए लड़ रहे हैं। दो साल कोरोना के बहाने लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। रेलवे और सेना नौकरी के लिए टॉप दो में आते हैं, जहां की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई है। उन्होंने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि सभी एक साथ आकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें। अग्निपथ योजना से पैसों की बर्बादी होगी, क्योंकि इतना पैसा देकर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसके बाद चार साल के बाद जवान क्या करेंगे। अग्निपथ योजना वापस होना चाहिए। रोजगार सेना में 80,000 से ज्यादा लोगों को मिल रहा था। अब जो राजनाथ सिंह ने नया फरमान जारी किया और जिस फरमान को डिफेंड करने के लिए सेना के अधिकारियों को मीडिया के सामने कर दिया जा रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि वो संख्या सीधे 80,000 से 85,000 से घट करके आधा 46,000, और 46,000 में भी कहा यह जा रहा है कि चार साल के बाद सब रिटायर कर जाएंगे, एक चौथाई रह जाएंगे। वो जो 11,500 रह जाएंगे, अगर कोई ये सोच रहा है कि 11,500 को ऑटोमेटिक पक्की नौकरी मिल जाएगी, ये नहीं होने वाला। ये 11,500 का आंकड़ा है जिसके लिए फिर से परीक्षा देनी होगी। फिर से परीक्षा दे करके अग्निवीरों को पक्की नौकरी के लिए फिर से परीक्षा देनी होगी। तो हमें लगता है कि बहुत बहुत बड़ा झूठ है। बेरमो के सिरसर में 16 से 30 जून तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसको लेकर ढोरी महाप्रबंधक कार्यालय से स्वच्छता रथ रवाना किया गया। महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। वहीं ढोरी महाप्रबंधक ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, स्वच्छता के प्रति लोगों का विशेष रुझान होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक का यूज, जो इस बार का मोटो भी है, प्लास्टिक का यूज बिल्कुल ही बंद करके उसके जगह जूट कपड़े आदि की थैले या इस तरह का कार्य करें, जिससे कि हमारा पूरा समाज और हमारा पूरा कार्य क्षेत्र स्वच्छ रहे और इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को भी मिले। यही हमारा इस मौके पर सभी अपने क्षेत्र के एम्प्लॉइज से और हमारे साथ जो भी